क्वेश्चन नंबर 75 रिलेशन से है, ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू वन। हमें चेक करना है कि ये रिलेशन कौन सा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। नाउ दिस रिलेशन साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन माइनस कॉस स्क्वायर बी दैट इज साइन स्क्वायर बी। इस रिलेशन को मैंने सिंप्लीफाई किया, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर बी हमें रिलेशन मिल गया। अब हमें चेक करना है फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें चेक करना होता है एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इट्सेल्फ। ए का रिलेशन ए से चेक करना है तो पुट बी इक्वल्स टू ए, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए विच इज ट्रू, देयरफॉर ए इज रिलेटेड टू ए, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट फॉर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए ए का रिलेशन बी से लेट करके चलेंगे और फिर ये प्रूव करके देखेंगे क्या बी का रिलेशन ए से है। ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर बी, ये लेट, ये गिवन है रिलेशन, ये हमने लेट कर लिया कि साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर बी। अब ये क्या इंप्लाइज कर रहा है, साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए, दैट इज बी रिलेटेड टू ए, ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन ए से हो गया, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, ए का रिलेशन बी से एंड बी का रिलेशन सी से लेके चलते हैं और ये प्रूव करके बताते हैं कि ए का रिलेशन सी से है। तो ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर बी, नाउ इक्वेशन वन, एंड बी रिलेटेड टू सी साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर सी। अब आप देख रहे हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर सी, ये दोनों इक्वेशन मिलकर क्या इंप्लाइज कर रहा है, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर सी। इट मींस आपने क्या प्रूव कर दिया, ए का रिलेशन किससे है, सी से है। तो हम क्या लेके चले थे, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, और हमने क्या इंप्लाइज कर दिया, ए रिलेटेड टू सी, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। That is transitive relation. It means total हम क्या देख रहे हैं, R is reflexive, R is symmetric, R is transitive relation. Therefore this relation is equivalence relation. Therefore answer is 4. Question number 76. The range of the function y equals to root 9 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स माइनस 5 इज। इस फंक्शन का हमें रेंज कैलकुलेट करना है। नाउ फर्स्ट वी कैलकुलेट डोमेन। इस फंक्शन का डोमेन, डोमेन के लिए कंडीशन लगाएंगे 9 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे इंप्लाइज होगा x इज लेस देन 9 और इससे इंप्लाइज होगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो x बिलोंग्स टू 5 टू 9। ये इस फंक्शन का डोमेन है। जब डोमेन एक पर्टिकुलर इंटरवल आता है
तो उसकी रेंज कैलकुलेट करने के लिए हमें उस फंक्शन की मोनोटोनिसिटी चेक करनी होती है. तो हमें इसमें चेक करना होगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. उसके लिए मैं dy by dx कैलकुलेट करूंगा. dy by dx इज माइनस वन अपॉन टू रूट नाइन माइनस एक्स प्लस वन अपॉन टू रूट एक्स माइनस फाइव. पुट dy by dx इक्वल्स टू जीरो इंप्लाइज x इक्वल्स टू सेवन. इस वैल्यू को मैं इक्वल टू जीरो रखूंगा तो x की वैल्यू मिलेगी सेवन. अब हमें चेक करना है कि x इक्वल्स टू सेवन इस इंटरवेल में लाई कर रहा है. तो नंबर लाइन पर 5, 9 और ये बीच में 7. अब हमें चेक करना है कि 5 to 7 में मैं कोई भी नंबर लिया 6 मैंने इसमें पुट किया तो ये वैल्यू माइनस वन अपॉन टू रूट थ्री और 6 रखने पर प्लस 1/2 और दिस वैल्यू आ गई पॉजिटिव. तो दिस साइन इज पॉजिटिव बिटवीन 5 to 7. 7 to 9 साइन इज नेगेटिव. 5 to 7 फंक्शन इज इंक्रीजिंग और 7 to 9 फंक्शन इज डिक्रीजिंग. 5 पर हम इसमें पुट करेंगे तो 5 पर ये मिनिमम देगा, 7 पर मैक्सिमम और 9 पर फिर वापस मिनिमम. तो वाई मिनिमम एट एक्स इक्वल्स टू 5 and 9. Y मिनिमम एट x इक्वल्स टू 5 यहां रखने पर 9 - 5 = 4 दैट इज 2 प्लस 5 - 5 = 0 दैट इज आंसर y मिनिमम 2. अगेन y मिनिमम एट x इक्वल्स टू 9 रखूंगा 0 और 9 पर अगेन 2. इन दोनों में मिनिमम वैल्यू जो आएगी वो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी. दोनों वैल्यू सेम आ रही है देयरफॉर फंक्शन इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 5 and 9 बोथ और y मिनिमम इज 2. y मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 7 2 और 7 √2. 7 यहां रखेंगे 9 - 7 √2 9 - 5 √2 √2 + √2 दैट इज 2 √2 दैट इज ए मैक्सिमम वैल्यू. देयरफॉर फंक्शन की रेंज इज 2, 2 √2. आंसर सेकंड. क्वेश्चन नंबर 77. लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स 2x माइनस टेन इनवर्स x अपॉन साइन x. साइन इनवर्स 0 0, टेन इनवर्स 0 0, 0 - 0 0 और साइन 0 0. क्वेश्चन की फॉर्म 0/0. ऑब्जेक्टिव में 0/0 फॉर्म है तो हम इसमें कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? एल ऑपिटल रूल. अप्लाइंग एल ऑपिटल रूल लिमिट x टेंड्स टू 0. एल ऑपिटल रूल में डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर. ऊपर वाली टर्म को ऊपर डिफरेंशिएट कर देंगे और नीचे वाली टर्म को नीचे डिफरेंशिएट कर देंगे. साइन इनवर्स दिस 1/√1 - 4x² इंटू 2 1/1 + x² अपॉन साइन x का डेरिवेटिव cos x. 0 पुट करेंगे तो दिस वैल्यू 2 - 1/1 आंसर इज 1. आंसर थर्ड. क्वेश्चन नंबर 78.
The function fx equals to tan inverse sine 2x plus cos 2x is decreasing in the interval. हमें ये बताना है कि ये फंक्शन कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग है. फॉर डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन जीरो. देयरफॉर एफ डैश एक्स टेन इनवर्स एक्स वन ओवर वन प्लस साइन टू एक्स प्लस कॉस टू एक्स होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस साइन टू एक्स टू कॉस 2x minus 2 sine 2x. This value less than 0. This value should be less than 0. Implies, अब आप देखिए ये quantity तो square में है, always positive. तो 1 plus positive square. तो ये terms तो always positive हो गई. It means ये वाली term क्या होनी चाहिए? Less than 0. 2 common cos 2x minus sin 2x less than 0 implies cos 2x minus sin 2x less than 0. Root 2 से multiply and root 2 से divide. 1 by root 2 cos 2x minus 1 by root 2 sin 2x less than 0. Root 2. 1 by root 2 को लिख सकता हूं मैं cos pi by 4 sin pi by 4. तो ये फार्मूला बन जाएगा cos of 2x plus pi by 4 less than 0 implies cos of 2x plus pi by 4 less than 0. अब ये वैल्यू cos की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए. cos की वैल्यू नेगेटिव कौन से इंटरवल में होगी? 2x plus pi by 4 lies between pi by 2 to pi. जब cos का एंगल 2x plus pi by 4 pi by 2 से pi के बीच में लाई करेगा तो cos की वैल्यू नेगेटिव. It means 2x greater than pi by 2 2x greater than pi by 2 minus pi by 4 less than pi minus pi by 4. इसको आप फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो 2x greater than pi by 4 less than 3 pi by 4. It means x greater than pi by 8 less than 3 pi by 8. तो x belongs to pi by 8 comma 3 pi by 8. In this interval function is decreasing. तो answer is first. Question number 79. Let fx equals to x की पावर n साइन 1 बाई एक्स. एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 0 एक्स इक्वल्स टू 0 एंड n इज ग्रेटर देन 0. स्टेटमेंट फर्स्ट, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0. एफ एक्स इज कंटिन्यूअस at x equals to 0 for every n greater than 0. हमें चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है. उसके लिए लेफ्ट लिमिट इक्वल्स टू राइट लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट ए गिवन पॉइंट. ऑल थ्री वैल्यूज आर इक्वल देन गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस. लेफ्ट लिमिट भी इसी फंक्शन से कैलकुलेट होगा और राइट लिमिट भी इसी फंक्शन से कैलकुलेट होगा. फॉर n greater than 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर n साइन
वन बाई एक्स, एन पॉजिटिव नंबर है, यहां जीरो, जीरो पर पॉजिटिव पावर जीरो, और साइन वन बाई जीरो इंफिनिटी, इंफिनिटी साइन इंफिनिटी, एनी नंबर बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन मल्टीप्लाई बाय जीरो गिव्स फाइनाइट वैल्यू जीरो. इट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट इज जीरो एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, एफ ऑफ जीरो इज जीरो, लिमिट एग्जिस्ट जीरो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन जीरो, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो फॉर एन ग्रेटर देन जीरो. नेक्स्ट स्टेटमेंट सेकंड, एफ एक्स इज डिफरेंशियबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो फॉर एन ग्रेटर देन जीरो. फॉर डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एफ डैश जीरो इक्वल्स टू लिमिट एच डैश टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो डिवाइड बाय एच. लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच, वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एच एच की पावर एन साइन वन बाई एच, एफ जीरो इज जीरो डिवाइड बाय एच. लिमिट एच टेंस टू जीरो एच की पावर एन माइनस वन साइन वन बाई एच. एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फाइनाइटली, एफ डैश जीरो एग्जिस्ट करता है फाइनाइटली, तो फंक्शन डिफरेंशियबल होगा. एन इज ग्रेटर देन जीरो, तो एन जीरो से ग्रेटर है, दिस वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है. एफ डैश जीरो एग्जिस्ट फाइनाइटली व्हेन एन माइनस वन ग्रेटर देन जीरो इंप्लाइज एन ग्रेटर देन वन. n greater than 1, then function is differentiable at x equals to 0. Therefore, statement 1 is true, second is false, answer is third.